करना है और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ साथियों। तो आज ये निशा समाज जो है ये मेरे लिए मेरा जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है और मैं इसको परिवार मानता हूँ। और मैं निश्चित तौर पे जब परिवार की बात होगा तो यहाँ अपने परिवार के लिए रहेंगे, जब राज्य की बात होगा तो सबसे पहले बिहार के लिए रहेंगे, जब देश की बात होगा तो पहले हम भारत के लिए रहेंगे और फिर पृथ्वी के लिए अगर बात होगा तो पूरे समाज के लिए रहेंगे साथियों। तो आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निशाल समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं लागू है। ये काम किनका है? ये सरकार का काम है। एक तो पहले का सरकार जो हमारा काम नहीं किया, एक अभी का वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है वो आज हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। और एक दोषी आप है कि आप अपने समाज के हक अधिकार के लिए आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया। आज संघर्ष कर लेते, आज लड़ाई लड़ लेते 30-40 साल पहले, जैसे कभी लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े, जैसे कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लड़े, जैसे कभी हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव लड़े, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी हमारे मायावती जी लड़ी, उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया, उनको लोगों ने उनके साथ दिया, उनको पार्टी में मजबूती हुआ। बिहार में भी 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश लालू जी बन के रहे, अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने समाज को आगे बढ़ाए। अगर काश विशाल समाज में भी ऐसा नेता पैदा होता, जन्म लेता, संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, आज हमारा दर्जनों भारत में निशाद का बेटा कलेक्टर होता, आज हमारा निशाद का बेटा डॉक्टर होता, आज निशाद का बेटा SDO होता, BDO होता, आज हमारा निशान का बेटा डॉक्टर होता। लेकिन ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप और हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो निश्चित तौर पे आज निशान समाज का बेटा आगे बढ़ा रहता। तो साथियों अब समय आ चुका है आप अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जरूरी पड़े तो खून बहाना पड़ेगा। अच्छा बहाएंगे तो निश्चित तौर पे जैसे हमारे पूर्वज पौने 200 सालों में देश को आजादी कराया, वैसे हम लोग भी अपने समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आज मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनका काम है, वो चाहेंगे तो 12 घंटे में निशा समाज को आरक्षण लागू कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। आज वो नहीं चाहते हैं कि गरीब मछुआरे का बेटा आज वो आगे बढ़े, आज वो संघर्ष करते रहे। आज बताइए, आज हमारा समाज का बेटा इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहा है, आज हमारे समाज के पास पैसा नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, ये काम किसका है? ये काम ना भारत सरकार का काम है, ये काम राज्य सरकार का काम है। आज लेकिन भारत सरकार क्या काम कर रहा है? गरीब को गुलाम बना रहा है, 5 किलो चावल दे रहा है, उनसे वोट लेने का काम कर रहा है, आज कहीं ना कहीं गुलाम बना रहा है। आज मंदिर मस्जिद की बात करता है, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम है गरीब के लिए बच्चे का इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी बनाना, ना कि मंदिर मस्जिद बनाने की बात है साथियों। तो इसलिए साथियों आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो आपके बच्चे को गुलाम बनाना चाहता है ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई लड़ेंगे तो आपका आने वाला पीढ़ी आगे बढ़ेगा साथियों। तो इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे दूसरे लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया, वैसे आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमने सर पे कफन बांध करके पटना से 101 दिन के लिए यात्रा पे निकले हैं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमें आरक्षण देगा, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा लेके आए हैं। और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों। आज बिहार में निशा बिन बिल्ला नुनिया मरा चाय चियर बंपर चौधरी तमाम निशान से 500 जाती है। आज अगर एक हो जाएंगे तो आज आपके पास शक्ति क्या है? जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, उनको अंदाजा नहीं था कि सात समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। आज वही शक्ति बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में निशान से बेटा के पास है।